पूरी हॉलीवुड इंडस्ट्री मार्वल और डीसी के सिनेमैटिक यूनिवर्स को फिल्म ना होने की बात कहती रहती है, पर ये दोनों उन फ्रेंचाइजीज में से एक है जिन्होंने हॉलीवुड में सबसे जबरदस्त एक्टर्स को दिखाया, जिनकी परफॉर्मेंस को कोई नहीं भुला सकता। एक्टिंग सुनने में और देखने में कई लोगों को ज्यादा मुश्किल काम लगता नहीं है, पर एक्टिंग एक बहुत ही टायरिंग प्रोसेस है, जहां परफॉर्मर को कुछ टाइम के लिए खुद को एक अलग इंसान बनाना पड़ता है। उसकी सोच, उसके बोलने का तरीका, इवन उसके उठने बैठने का ढंग कुछ समय के लिए बदल जाता है। कुछ एक्टर्स किसी रोल को प्ले करने के बाद थेरेपी तक लेते हैं ताकि नॉर्मल एनवायरनमेंट पर सही से वापस ढल पाएं। एक अच्छे एक्टर की पहचान होती है जब देखने वाला विश्वास ही ना कर पाए कि सामने वाला एक्टिंग कर रहा है या ये उसके असली इमोशन है। और मार्वल मूवीज ने हमें ऐसे कई जबरदस्त एक्टर्स दिए हैं जिनकी परफॉर्मेंस की वजह से हम फैंस उन्हें उनके असली नाम से कम और उनके कैरेक्टर के नाम से ज्यादा जानते हैं। तो दोस्तों, मैं हूं अमन सिन्हा और आज हम अपने टॉप 5 एक्टर्स की सीरीज को कंटिन्यू रखते हुए 5 जबरदस्त मार्वल एक्टर्स के बारे में बात करने जा रहे हैं जिन्हें फैंस कभी नहीं भुला सकते। तो बिना स्पॉइलर्स की चिंता करें, चलिए शुरू करते हैं। नंबर 5, लोकी। थॉमस विलियम हिडलस्टन, जिन्हें टॉम हिडलस्टन के नाम से भी जाना जाता है, वो साल 2011 से लेकर अभी तक मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में लोकी लॉफिसन का रोल प्ले करते आए हैं, जबकि इस एक्टर ने थॉर के रोल के लिए ऑडिशन दिया था। हालांकि टॉम हिडलस्टन का लोकी ही कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल है 2012 की द एवेंजर्स को हिट करवाने के लिए, क्योंकि लोकी जो कि इस फिल्म का विलन था, उसे कॉमिक्स में इतना बड़ा एवेंजर्स लेवल विलन कंसिडर नहीं किया जाता था। लेकिन स्टूडियो के पास उस टाइम मेजर कैरेक्टर्स के राइट ना होने की वजह से उन्हें लोकी को यूज करना पड़ा पहली एवेंजर्स मूवी के विलन के लिए। पर टॉम हिडलस्टन की परफॉर्मेंस ने फैंस को बताया कि लोकी एक एवेंजर्स लेवल विलन है। ये पोर्ट्रेयल इतना जबरदस्त था कि एम्पायर ने उनके लोकी पोर्ट्रेयल को 19th ग्रेटेस्ट मूवी कैरेक्टर ऑफ ऑल टाइम की लिस्ट में रैंक किया। टॉम हिडलस्टन अपने लोकी के रोल में एस्टैब्लिश हुए कुछ आइकॉनिक सीन्स की वजह से, चाहे हम बात करें द एवेंजर्स में अराइवल ऑन अर्थ सीन की, या हम बात करें स्कर्मिश इन जर्मनी की, या हम बात करें मल्टीपल टाइम अपने डेथ को फेक करने की, हर बार हम फैंस को लगता था कि लोकी हमेशा हमेशा के लिए जा चुका है। दूसरी थॉर मूवी के बाद सारे थॉर फ्रेंचाइज से जुड़े कैरेक्टर्स में एक टोनल चेंज आया, पर इस चेंज में भी टॉम ने अपनी जबरदस्त परफॉर्मेंस दी स्टेट्समैन के फाइनल स्टैंड में। तो ये सारे वो मोमेंट्स थे जिन्होंने हमें क्लियर कर दिया कि टॉम हिडलस्टन ही हमेशा हमेशा के लिए लोकी बने रहेंगे। वो अभी भी लोकी है जो कि टीवीए की प्रॉब्लम्स का हिस्सा बने हुए हैं अपनी खुद की सीरीज लोकी में, जो कि डिज्नी प्लस की मोस्ट वॉच्ड मार्वल सीरीज है। अभी लोकी के सीजन 2 के साथ शायद ये सीरीज पूरे डिज्नी प्लस की मोस्ट वॉच सीरीज बन जाए, पर लोकी के कैरेक्टर और उसकी पॉपुलैरिटी के लिए सिर्फ और सिर्फ टॉम हिडलस्टन ही रिस्पॉन्सिबल हैं। टॉम हिडलस्टन लोकी की तरह दिखते नहीं थे क्योंकि वो ऑडिशन देने आए थे थॉर के लिए, पर उन्होंने लोकी जैसा दिखने के लिए 6 हफ्ते लिए, जहां उनका डेडली विलन्स चार्म आया उनके थिएटर बैकग्राउंड और स्ट्रिक्ट रूटीन की वजह से। अब ऐसा चार्म अपन कैसे ला सकते हैं? वो लोकी जैसा ग्लो क्या नेचुरली लाना पॉसिबल है? बिल्कुल है। स्किन को ग्लो और इवन डीएज करवाने के लिए विटामिन सी की जरूरत पड़ती है, प्लस हल्दी यानी टर्मरिक आज से ही नहीं बल्कि कई समय से स्किन को नेचुरली इवन टोन रखता आया है, वो भी अपने मेलानिन के प्रोडक्शन को कंट्रोल करने की कैपेबिलिटी से। और ये दोनों पाए जाते हैं मामा अर्थ के स्किन इल्यूमिनेट फेस सीरम और विटामिन सी फेस क्रीम में। स्किन केयर का बेसिक रूल होता है मॉइस्चराइजिंग। मुझे भी ये बात काफी लेट ही पता चली, इसलिए मेरे स्किन का मॉइस्चर लॉक करने में हेल्प करता है मामा अर्थ विटामिन सी फेस क्रीम। इसका लाइट वेट फॉर्मूला मेरे स्किन को ग्रीसी नहीं बनाता और मुझे एक नेचुरल ग्लो देता है। मामा अर्थ का स्किन इल्यूमिनेट सीरम और विटामिन सी क्रीम का ये रूटीन 3-4 हफ्ते फॉलो करके रियलाइज हुआ कि स्किन केयर आपके कॉन्फिडेंस को बहुत बूस्ट देता है। स्किन का ग्लो चेंज तो सब चेंज। और जब भी आप मामा अर्थ से कुछ भी परचेज करते हैं तो वो आपके ऑर्डर को एक वेबसाइट पर एक ट्री से लिंक कर देते हैं, जो कि आप अपने ऑर्डर के साथ ट्रैक भी कर सकते हैं। इस इनिशिएटिव के अंडर बाय 2025 मामा अर्थ एम कर रहा है 1 मिलियन ट्रीज प्लांट करने का। डिस्क्रिप्शन में दोनों का लिंक है। अगर आप मेरा कोड PER2022 यूज करते हैं मामा अर्थ की ऑफिशियल वेबसाइट या उनके ऐप पर, तो आपको एडिशनल 20% डिस्काउंट भी मिलेगा। मामा अर्थ के प्रोडक्ट्स Amazon, Flipkart, Nykaa के साथ साथ ऑफलाइन स्टोर्स पर भी अवेलेबल है। नेक्स्ट टाइम आप जब भी किसी मामा अर्थ स्टोर को स्पॉट करेंगे तो यहाँ कमेंट में या मुझे मैसेज करके जरूर बताना। नंबर 4, थैनोस। जोशुआ जेम्स ब्रोलिन, जिन्हें सब जानते हैं जॉश ब्रोलिन के नाम से, वो मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के इन्फिनिटी सागा के सबसे बड़े विलन थैनोस बनके हम सबके सामने आए। मार्वल स्टूडियोस पहली एवेंजर्स मूवी में डेमियन पॉइटियर को इस रोल में दिखा चुका था, पर 2014 में मार्वल ने जॉश ब्रोलिन को थैनोस के रोल में कास्ट किया, जहां वो हमें देखे गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी मूवी में रोनन को धमकाते हुए। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जॉश उन एक्टर्स में से एक थे जिन्हें बैटमैन वर्सेस सुपरमैन में बैटमैन के रोल में कास्ट करने के लिए कंसिडर किया जा रहा था, पर बेन एफ्लेक को ये रोल मिला और जॉश को मिला थैनोस का रोल। और अच्छा हुआ उन्हें बैटमैन का रोल नहीं मिला, क्योंकि आज DCEU रिबूट हो रहा है, जबकि उनके थैनोस के पोर्ट्रेयल को ग्रेटेस्ट फिल्म विलन्स ऑफ ऑल टाइम कहा जाता है। जॉश ब्रोलिन 2014 में गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी में दिखने के साथ 2015 में एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन के मिड क्रेडिट सीन में दिखे, जिसके बाद वो सीधे हमें दिखे एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में, जहां मोशन कैप्चर परफॉर्मेंस के थ्रू उन्होंने थैनोस को एक नया डेप्थ और ऐसा इमोशन दिया जिससे एंड गेम के बाद कई फैंस उनकी साइड हो गए। उनके सबसे बड़े थैनोस मोमेंट्स थे रोनन को धमकाना, स्टेट्समैन की स्पीच, बैटल ऑफ टाइटन, बैटल ऑफ वकांडा में स्नैप और बैटल ऑफ अर्थ। इसके अलावा जॉश ब्रोलिन ने व्हाट इफ सीरीज में भी इस कैरेक्टर को आवाज दी है।
कई लोग थैनोस के VFX को अप टू द मार्क नहीं मानते, पर वो लोग जिस चीज को मानते हैं वो है जॉश ब्रोलिन के एक्सप्रेशन और उनकी जबरदस्त डायलॉग डिलीवरी। अभी मल्टीवर्स सागा में अगर जोनाथन मेजर्स को किसी को डीथ्रोन करना है तो वो है थैनोस, पर ये उनके लिए इतना आसान नहीं होगा। नंबर 3, स्पाइडरमैन थॉमस स्टैनली हॉलैंड, जिन्हें टॉम हॉलैंड के नाम से जाना जाता है, वो साल 2016 से लेकर आज तक MCU में स्पाइडरमैन का रोल प्ले करते आए हैं। इनसे पहले इस रोल को टोबी मैग्वायर और एंड्रू गारफील्ड प्ले कर चुके हैं, जहां टोबी को परफेक्ट पीटर पार्कर और एंड्रू को परफेक्ट स्पाइडरमैन कहा गया। वहीं इन दोनों से इंस्पिरेशन लेकर टॉम हॉलैंड इन दोनों के कॉम्बिनेशन बने। स्पाइडरमैन का रोल लेने से पहले वो खुद बहुत बड़े स्पाइडरमैन फैन थे, जहां उनके पास 30 कॉस्ट्यूम्स और बेडशीट कवर्स थे। प्लस इस रोल को पाने के लिए उन्होंने 1500 टीनएजर्स के अगेंस्ट ऑडिशन दिया, जहां प्रोड्यूसर्स उनके पिछले प्रोजेक्ट से ऑलरेडी इंप्रेस थे। वहीं रूसो ब्रदर्स टॉम की डांसिंग और एथलेटिक एबिलिटीज को रीजन बताते हैं उनके कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर में कास्ट करने के लिए। टॉम हॉलैंड के जबरदस्त स्पाइडरमैन मोमेंट्स हैं टेकिंग डाउन जायंट मैन, पीटर इन द रबल, स्पाइडर सेंस से स्नैप को फील करना, टोनी को खोना, मिस्टीरियो से बच निकलना, मिस्टीरियो का सामना करना, लिटरली सब कुछ खोना, नए मल्टीवर्सल दोस्त बनाना, गॉब्लिन की बैंड बजाना और लास्ट में अपने दोस्तों से मिलना जो उसे जानते ही नहीं। टॉम हॉलैंड इजीली कैपेबिलिटी रखते हैं अपने टाइम के रॉबर्ट डाउनी जूनियर बनने का। स्पाइडरमैन नो वे होम, जो कि अभी तक का सोनी मार्वल का सबसे एम्बिशियस प्रोजेक्ट था, इस मूवी ने पोस्ट पैंडेमिक एरा में 6th हाईएस्ट ग्रोसिंग फिल्म ऑफ ऑल टाइम का रिकॉर्ड बनाया है। सोच के देखो, अगर ये नॉर्मल टाइम में रिलीज होती तो क्या होता। अभी टॉम हॉलैंड हमें एक MCU मूवी में तो दिखेंगे ही, ये बात पक्की है। पर हाल फिलहाल सोनी के चेयरमैन ने ये भी कहा कि स्पाइडरमैन 4 भी आ रही है, पर स्टूडियो की तरफ से कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की गई। नंबर 2, प्रोफेसर एक्स। सर पैट्रिक स्टुअर्ट ओबी 82 यानी 82 ईयर्स के एक्टर हैं और फिलहाल इनके पास गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड है लॉन्गेस्ट करियर एज अ लाइव एक्शन मार्वल कैरेक्टर का। जब भी प्रोफेसर एक्स का नाम किसी के दिमाग में आता है तो उन्हें सिर्फ और सिर्फ सर पैट्रिक स्टुअर्ट ही दिखते हैं। इस ब्रिटिश एक्टर ने साल 2000 में पहली एक्शन मूवी में दिखने के साथ साथ ऑडियंस के मन में जगह बना ली थी। ये वो एक्टर है जिसे सालों तक टाइपकास्ट किया गया उनके स्टार ट्रेक के लेजेंडरी रोल पिकार्ड के लिए, जिसका उन्हें कई समय तक रिग्रेट भी रहा, पर इस टाइपकास्ट को उन्होंने खुद तोड़ा और वापस एक लाइफ लॉन्ग परफॉर्मेंस दी हम फैंस को। उनके सबसे जबरदस्त प्रोफेसर एक्स मोमेंट्स रहे हैं लोगन को इंट्रोड्यूस करना, सेरिब्रो को यूज करना, मैग्नेटो के साथ खेले चेस सीन्स, लोगन मूवी में दिखने वाला सीजर हमें सही में रुला के रख देता है, डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट में मैग्नेटो से बात करना, इसी मूवी में अपने पास्ट सेल्फ से बात करना, इन सब के अलावा मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस से पैट्रिक स्टुअर्ट का दिखना बड़ी बात मानी जानी चाहिए थी, पर मूवी के मिक्स्ड और एवरेज रिसेप्शन ने सबका ध्यान इस बात से हटा दिया कि पहली बार MCU में हमें फॉक्स के कैरेक्टर दिखे थे। सर पैट्रिक स्टुअर्ट की परफॉर्मेंस को रॉबर्ट डाउनी जूनियर और ह्यूग जैकमैन के कॉन्ट्रीब्यूशन के साथ रखा जाता है, जिन्होंने कई लोगों को मार्वल या इवन सुपर हीरो फैन बनाया। नंबर 1, थॉर। क्रिस्टोफर हेम्सवर्थ AM, जिन्हें जाना जाता है क्रिस हेम्सवर्थ के नाम से, ऑस्ट्रेलियन एक्टर हैं जो कि MCU में 2011 से थॉर के रोल में हमें दिखते आए हैं। ये पहला MCU कैरेक्टर है जिसे 4th सोलो मूवी मिली फ्रेंचाइजी में, जिसके साथ वो दुनिया के हाईएस्ट पेड एक्टर्स में शामिल हो गए। पर आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ऑस्ट्रेलिया के डांसिंग विद द स्टार्स शो, जिसके इंडियन वर्जन को झलक दिखलाजा कहा जाता है, इस शो के 5th सीजन में दिखने के साथ क्रिस हेम्सवर्थ को थॉर का रोल मिलने में प्रॉब्लम आ रही थी, पर उन्होंने वेट गेन किया और इस रोल को हासिल किया। पहली दो थॉर मूवीज मिक्स रिव्यूज के साथ सामने आई, पर दोनों जगह क्रिस हेम्सवर्थ और टॉम हिडलस्टन की परफॉर्मेंस की जमकर तारीफ हुई, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं थॉर फ्रेंचाइजी सर्वाइव कर पाई। हालांकि थॉर रैग्नारोक के साथ यहां एक टोनल शिफ्ट आया, जहां क्रिस हेम्सवर्थ ने एक अलग टेक लिया इस रोल को प्ले करने में और इस मूवी ने जबरदस्त प्रेज और सक्सेस हासिल करी, जिसके साथ इन्फिनिटी वॉर में एक जबरदस्त परफॉर्मेंस देते हुए क्रिस हेम्सवर्थ ने पूरी दुनिया को बता दिया कि क्यों वो परफेक्ट थे, हैं और हमेशा रहेंगे थॉर को प्ले करने के लिए। हालांकि थॉर के कैरेक्टर को फिर से एंड गेम में चेंज किया गया, पर तब भी क्रिस हेम्सवर्थ ने अपना चार्म चेंज नहीं होने दिया। पर थॉर लव एंड थंडर में चीजें बहुत ज्यादा बदल गई। हालांकि थॉर अभी भी हमारे बीच है और क्रिस हेम्सवर्थ ही उसे प्ले करेंगे। क्रिस इस रोल में स्टैब्लिश हुए कुछ आइकॉनिक सीन्स की वजह से, चाहे हम बात करें ओडिन के थॉर को बैनिश करने की, या हम बात करें थॉर के अपने माँ को खोने की, या हम बात करें विजन को जिंदा करने की, या हम बात करें सकार पर ब्रूस से मिलने की, या हम बात करें एसगार्ड पर हेला का सामना करने की, या हम बात करें बैटल ऑफ वकांडा में जबरदस्त एंट्री मारने की, या हम बात करें सब कुछ खोने के दुख की, या हम बात करें फिर से सब कुछ खोने के दुख की, क्रिस हेम्सवर्थ ने सारे मोमेंट्स हम फैंस के दिमाग में घर की तरह बैठा दिए हैं। हालांकि रिसेंटली जब लिमिटलेस डॉक्यूमेंट्री में ये रिवील हुआ कि उनमें दो कॉपीज हैं APOE4 जीन की, जिसकी वजह से उन्हें जनरल पॉपुलेशन से 8 से 10 गुना ज्यादा चांसेस हैं अल्जाइमर्स डिजीज होने की, तो फिलहाल उन्होंने ब्रेक लेने का सोचा है अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए। अल्जाइमर्स डिजीज एक प्रोग्रेसिव न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जिससे ब्रेन श्रिंक हो जाता है और ब्रेन सेल्स मरने लगते हैं, जिसकी वजह से डिमेंशिया यानी सोचने, बिहेव करने और चीजें याद रखने की एबिलिटी पर बुरा असर पड़ता है। तो दोस्तों, ये था सेकंड पार्ट टॉप 5 मार्वल एक्टर्स का। अभी इस सीरीज को फर्दर और एक्सप्लोर करना है और DC के एक्टर्स के बारे में बात करनी है, पर फिर भी अगर उससे कोई डिटेल मिस हो गई हो या आपका कोई नया फैक्ट इस वीडियो से रिलेटेड, तो प्लीज हमें कमेंट पर जरूर बताएं, हमारे सोशल मीडिया हैंडल पर हमारे साथ शेयर करें। हम हर जगह हैं।
तो दोस्तों अगर आप थॉर को बिना म्योनिर बिना स्टॉर्म ब्रेकर के देखना चाहते हैं तो मैं आपको हमारी अनवर्दी थॉर कॉमिक सीरीज रेकमेंड करूंगा। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और इसे कई सारे सुपर कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइज, दिस इज अंशना एंड यू आर सुपर सुपर पीस।